हाय गाइस, वेलकम बैक। आज तक की बेस्ट M4 शिनोबी कमी करके PGMM में आई है गाइस। इसको तो लेवल 8 पे लेके जाएंगे ही जाएंगे, वन ऑफ द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट। अल्टीमेट सेट में अपना लक इतना अच्छा नहीं रहता है, होपफुली निकल जाए, नहीं तो अपन रिडीम करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोस। स्टार्ट में तो मुझे नहीं लगता कभी कोई आइटम मिला है, बस ये कॉइन्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा गाइस। जेमस्टोन्स भी बहुत ज़रूरी हैं गाइस, जेमस्टोन से ही रिडीम कर पाएंगे। जितना लक अच्छा रहा, जितने ज़्यादा जेमस्टोन्स मिलेंगे, उतने कम यूसी में अपना M4 निकलेगा। चलो, ग्रेनेड तो मिला। ग्रेनेड का ये फ़ायदा है कि अगर लेवल 8 की अपनी M4 होगी तो ग्रेनेड पे भी सब कुछ, एलिमिनेशन, ब्रॉडकास्ट, क्रेट सब आ जाएगा। फिर से ग्रेनेड, ओके। ग्रेनेड भाई, ग्रेनेड ग्लिच है क्या? तीसरी बार ग्रेनेड आ गया अपने को भाई, सच्ची। फिर से दो, मतलब 5 बार ग्रेनेड आ गया भाई। VGMI क्या चाहते हो? मैंने कहा ना गाइस, अल्टीमेट सूट में ना लक इतना अच्छा नहीं रहता है, पॉपुलैरिटी ही दिए जा रहा और कुछ नहीं। चलो, मॉली भी आ गई गाइस। ग्रेनेड हो गया, मॉली हो गई, ठीक है। अपने पास अभी कॉइन्स, जेम्स भी ठीक ठाक हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, बट दो हैं, बाकी अपन रिडीम कर लेंगे। फिर से मॉली गाइस, पहले ग्रेनेड अब मॉली, मतलब 5 ग्रेनेड और 2 मॉली अपने पास आ चुकी है। लेकिन रिडीम आप, अरे फिर से मॉली भाई, 3 मॉली। प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ 3 क्रिस्टल से कन्वर्ट हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। लगता है गाइस रिडीम ही करना पड़ेगा, निकल तो कुछ भी नहीं रहा है। तो ठीक है, कॉइन्स अपने जेम्स इकट्ठे करते हैं। 6 हो चुके हैं, तो 7 हो चुके हैं, एक अपन रिडीम कर लेंगे तो 8 हो जाएंगे। आई थिंक रिडीम ही करना पड़ेगा अपन को M4। फिर से नेड गाइस, नेड और मॉली तो भाई VGMI फ्री में बांटता है, उनको पता है ना, मतलब ही नहीं है जब तक M4 अपग्रेड नहीं होगी। चलो अभी जेम एक रिडीम कर लेते हैं, अपने पास क्रिस्टल्स हैं, अपने पास अभी टोटल 9 है, तो 9 से एटलीस्ट M4 आ जाएगी। M4 को अपन रिडीम करते हैं। चलो, M4 फर्स्ट क्लास है यार, वन ऑफ द बेस्ट M4 है। चलो लेट्स गो रिडीम करने, M4 ही सबसे पहले रिडीम करते हैं। 3 कॉइंस रिडीम M4। कंग्रेट गाइस, M4 वन ऑफ द बेस्ट M4 इन PUBG मोबाइल एंड BGMI।
लॉबी भी बहुत अच्छी है गाइस, लॉबी भी ले लेते हैं। मुझे इसका इमोट भी ना थोड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट है। आई थिंक इमोट पे जाऊंगा। हवरबोर्ड ठीक है, ले सकते हैं हवरबोर्ड, बट देन इमोट थोड़ा अच्छा है, तो लेट्स रिडीम इमोट। अभी 3 जेम्स और हैं, तो एक काम करते हैं, अल्टीमेट का काउंट पन बढ़ाते हैं, हेड गेयर तो ले लेते हैं, मेन रेस के लिए बाद में फिर ट्राई करते हैं। तो चलो हेड गेयर तो ले लिया, फिर थोड़ा स्पिन करके थोड़े जेम्स कलेक्ट करके करते हैं। लेकिन गाइज एक सरप्राइजिंग है, ये गन लैब में ग्लिच है, दिख ही नहीं रही है भाई। मतलब BGMI वालों, पैसा ले लिया, गन निकाल दी हम लोगों ने, अब तुम गन ही नहीं दे रहे हो अपग्रेड करने के लिए भाई। पेन्स हैं, मटेरियल भी है, बट गन ही नहीं है अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, लेट्स वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती है। अभी तो नहीं आएगी, बट अरे वाह गाइज, चलो यू कभी M4 निकली नहीं अल्टीमेट में, अभी M4 एकदम से निकल के थी। चलो 3 मटेरियल एक्स्ट्रा मिल गए, बट जब तक गाइज ग्लिच ठीक नहीं होगा, इसको अपग्रेड तो नहीं कर पाएंगे, बट एक काम करते हैं, अल्टीमेट निकाल लेते हैं। और गाइज जैसे ही ग्लिच ठीक होगा, इसका अलग से वीडियो बना के अपन जरूर डालेंगे, बिकॉज़ ये गन बहुत प्यारी है, इसको अपग्रेड करना लेवल 8 तक ले जाना बेस्ट है। चलो बात करते करते होवरबोर्ड भी निकल गया गाइस, तो आई थिंक अपने पास सब कुछ निकल गया है। मेन इज द ड्रेस, जो अपन को अल्टीमेट सूट है वो निकालना है, वो जेम्स को कलेक्ट करके अपन निकाल देते हैं। हाँ, जेम स्टोन्स है गाइस, एक और चाहिए, तो थोड़ा स्पिन करके एक और निकाल लेते हैं। चलो 6 हो गए, रिडीम करते हैं अल्टीमेट सेट, फाइनली डन। अपने पास अल्टीमेट सेट आ गया, अल्टीमेट हेडगेयर आ गया, M4 आ गई, मॉली पावर बोर्ड सब आ गया, बैकपैक की जरूरत नहीं है, बाद में अगर रहा तो कभी देखूंगा। बट भाई M4 जल्दी से ये ग्लिच ठीक हो गए, इसको मैक्स आउट करें, लेवल 8 पे लेके जाएं, मास्टर की बेस्ट M4 है ये। एक बार और ट्राई करते हैं गाइस लैब में जाके ढूंढने के इस गन को, अभी तक तो नहीं मिली है। आई थिंक जैसे ये ग्लिच ठीक होगा गाइस, इसको अपन मैक्स आउट करेंगे, फिर इसका वीडियो भी डालेंगे कि मैक्स आउट किया है बंदा। बट सरप्राइजिंगली नाम ही नहीं ले रही भाई दिखने का, गजब भी हो भाई BGMI। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट डे हेड, थैंक्स, बाय बाय।